तो आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे एडवांस गैजेट जिनकी टेक्नोलॉजी देखकर आपको वाकई मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के अपने पहले गैजेट के साथ। नंबर 9, हाइपर डॉली। किसी भी कैमरा या फिर मोबाइल फोन से एक सिनेमेटिक वीडियो क्रिएट करना अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्राइपॉड या फिर हाथों में कैमरा को लेकर ऑपरेट करते हैं तो वीडियो में शेक आना काफी हद तक तय है। लेकिन अगर आप एक सिनेमेटिक वीडियो बना रहे हैं तो शेक की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। जहां पर काम आएगा कुछ इस तरीके का गैजेट। दोस्तों, ये एक तरीके की डॉली होती है जिसमें कि आप अपने कैमरा या फिर मोबाइल फोन को सेटअप कर सकते हैं, जिसके व्हील्स में लगा होता है जायरोस्कोप, जिससे कि जब आप इसे ऑपरेट करते हैं तो आपकी वीडियो फुटेज एकदम स्टेबल रहती है, यानी कि वीडियो पर आपको हल्का सा भी शेक नजर नहीं आएगा। इसमें तीन छोटे छोटे व्हील्स होते हैं जिनका मूवमेंट काफी साइलेंट होता है। आप अगर चाहें तो इन व्हील्स के मूवमेंट को कैलिब्रेट भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ये तीनों व्हील्स आपके कैमरा के लिए एक जायरोस्कोप का काम करेंगे, जिससे कि कैमरा फुटेज एकदम बैलेंस रहती है। तो सिनेमैटिक शॉट्स के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद हेल्पफुल रहेगा। नंबर 8, हॉवर R3। पानी में अगर किसी को रेस्क्यू करना हो तो एक डाइवर और एक स्विमर का होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी कि कोई शख्स अगर डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए किसी इंसान को ही वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये करना काफी ज्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि किसी को भी रेस्क्यू करने के लिए समय काफी कम होता है, और अगर वो पानी के बीचों बीच फंसा है तब तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे में इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के एडवांस गैजेट को, जो कि एक तरीके की ऐसी स्विमिंग ट्यूब होती है जो कि खुद ब खुद रेस्क्यू करने के लिए बनाई गई है। ये एक पूरी तरीके से ऑटोमेटेड गैजेट है जिसे कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। बस इसे पानी में आपको थ्रो करना होगा और रिमोट कंट्रोल से आप इसे उसके पास भेज सकते हैं जो कि डूब रहा हो। बस जैसे ही वो इसे पकड़ लेता है और फिर से आप इसे रिमोट कंट्रोल से इसे किनारे की तरफ बुला लेते हैं, यानी कि डूबने वाले शख्स को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मोटराइज्ड गैजेट उसे खुद ब खुद किनारे ले आता है। वहीं दोस्तों, ये गैजेट इतना पावरफुल होता है कि आप इसे एक साथ 3 से 4 लोगों के रेस्क्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी कमाल की ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान बेहद हेल्पफुल रहेगी। नंबर 7, LG बूट 10। बात अगर किसी टीवी या फिर डिस्प्ले की करी जाए तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है उन LEDs या फिर OLEDs का, जो कि एक पतले से फ्रेम में बिल्ट रहती हैं, जिसमें कि आप अपना मनपसंद कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसी OLED डिस्प्ले की जो कि देखने में एकदम कांच जैसी लगे, तो हो सकता है ऐसी टीवी आपने इससे पहले कभी ना देखी हो। लेकिन जी हाँ दोस्तों, LG की तरफ से आने वाला ये एक तरीके का ऐसा OLED पैनल होता है जो कि ग्लास बेस्ड रहता है, जिसके आर पार आप आराम से देख सकते हैं। यानी कि दूर से देखने में ये तो आपको एक नॉर्मल ग्लास जैसा ही नजर आएगा, लेकिन ये आपके लिए एक टीवी का काम करता है जिसमें कि आप अपना वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये आपके लिए एक नोटिफिकेशन पैनल के तौर पर भी काम कर सकता है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा सकेगा, जैसे कि शॉप्स वगैरह में इस तरीके की ट्रांसपेरेंट OLED का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके का ग्लास पैनल देखने में काफी यूनिक सा लगता है, जो कि बिल्कुल भी आपको एक टीवी वाली फीलिंग नहीं देगा। लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये एक होती है ट्रांसपेरेंट टच स्क्रीन बेस्ड OLED पैनल, जो कि वाकई एक एडवांस टेक्नोलॉजी का नमूना है। नंबर 6, होलो स्विम 2। अगर आप एक प्रोफेशनल स्विमर हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि एक एक सेकंड की वैल्यू क्या रहती है और स्विमिंग करने के दौरान ये कितना ज्यादा मायने रखता है। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपकी स्विमिंग एक्टिविटीज को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके के स्विमिंग ग्लासेस होते हैं, जिसमें कि अंदर की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले अटैच रहती है, जहां पर आप टाइमलैप्स वगैरह देख सकते हैं कि आपने कितनी देर तक स्विमिंग करी है। वहीं दोस्तों, ये आपके मोबाइल फोन से भी कनेक्ट रहेगा, जो कि स्विमिंग एक्टिविटीज को सिंक करता रहता है आपके मोबाइल फोन के ऐप से। और यही नहीं दोस्तों, अगर आपकी कोई जरूरी नोटिफिकेशन भी आ रही है तो भी आपको स्विमिंग करने के दौरान इसके अंदर देखने को मिलेगी, जिससे कि आपके कॉल और मैसेजेस वगैरह मिस ना हो। तो ये गैजेट कहीं ना कहीं स्विमिंग के दौरान भी आपको दुनिया से जोड़े रखता है और आपकी स्विमिंग एक्टिविटीज को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करता है। नंबर 5, वेंजी। दोस्तों, बात अगर किसी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की हो रही हो, जिन्हें की जनरली कंट्रोल करने के लिए हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चाहे माउस हो या फिर इसी तरीके की और भी चीजें, लेकिन आजकल जेस्चर कंट्रोल डिवाइस भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा की जा रही है, जिससे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और टैबलेट्स को कंट्रोल करना बड़ा ही आसान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये एक तरीके की ऐसी डिवाइस होती है जिसे कि आपको एक रिंग की तरह हाथों में पहनना होगा, जिसके बाद आप हाथों से अलग अलग तरीके के जेस्चर मूवमेंट को इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको काफी सारे मूवमेंट के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें कि आप कस्टमाइज कर पाएंगे, और जरूरत पड़ने पर आप उसी तरीके का मूवमेंट कराकर एक स्पेशल कमांड दे सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर टैबलेट वगैरह को। वहीं दोस्तों, गेमिंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि गेम खेलना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन के दौरान या फिर वीडियो वगैरह देखने के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि स्लाइड आगे पीछे या फिर वीडियो को प्ले एंड पॉज कर सकता है। तो दोस्तों, ये कमाल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक जेस्चर कंट्रोलिंग डिवाइस में, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, क्यूडा जेट।
डाइविंग का मजा तो बहुत लोग लेना चाहते हैं, लेकिन डाइविंग करना कोई आसान बात नहीं होती, जिसके लिए काफी परफेक्शन और मेहनत की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप डाइविंग का मजा लेना चाहते हैं तो इसमें ये गैजेट आपकी हेल्प करेगा। जी दोस्तों, डाइविंग के दौरान ज्यादातर जो मूवमेंट्स होते हैं वो हाथों या फिर पैरों से करे जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस गैजेट का इस्तेमाल करके आप अपने हाथों पैरों को थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं और इस गैजेट के पावर से आप आराम से पानी के अंदर डाइव कर पाएंगे। ये एक तरीके का बैकपैक जैसा गैजेट होता है, जिसे कि बस आपको पहनना होगा और इसमें लगे होते हैं जेट, जिनके पावर से आप पानी के अंदर आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी स्पीड और डायरेक्शन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जो कि डाइविंग करना चाहते हैं, और जिन्हें स्विमिंग ना आती हो उनके लिए भी ये गैजेट बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। नंबर थर्ड, कॉल बोर्ड CL60। लाइटिंग कंडीशन किसी भी वीडियो की क्लैरिटी को काफी बढ़ा सकती है, यानी कि आप कैमरा में तो एक बार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन लाइटिंग अगर बढ़िया है तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्टूडियो के लिए एक ऐसी प्रोफेशनल लाइटिंग चाहते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक हाई क्वालिटी वीडियो क्रिएट कर पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के लाइटिंग सिस्टम को। इसकी खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का एडवांस लाइटिंग सिस्टम होता है, जिसकी ब्राइटनेस को आप अपने मोबाइल फोन से भी रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे अटैचमेंट्स मिल जाते हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो इस तरीके की लाइटिंग आपकी वीडियो की क्वालिटी को और भी कहीं ज्यादा बढ़ा सकती है, और अगर आप चाहें तो इस तरीके के लाइटिंग के बंच को इस्तेमाल करके आप अपने वीडियो को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। नंबर सेकंड, C3 स्टॉर्म। दोस्तों, आज की तारीख में ई बाइक्स की दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है और बहुत सारे लोग अपने टू व्हीलर्स को स्विच करना चाहते हैं एक ई बाइक में। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको इस बाइक को एक बार जरूर से देखना चाहिए। दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी ई बाइक होती है जिसमें की 750 वॉट की पावरफुल मोटर इनबिल्ट रहती है, जिसे की सिंगल चार्ज पर आप लगभग 50 माइल्स तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 28 माइल्स पर आर की होती है, लेकिन अगर आप इसे ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ाकर आप कर सकते हैं 32 माइल्स पर आर की, जो कि अपने आप में एक बेंचमार्क है। और यही नहीं दोस्तों, इसमें इमरजेंसी के लिए पैडल असिस्ट फीचर भी दे रखा होता है, जिससे कि आप इसे एक नॉर्मल बाइसिकल की तौर पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका फ्रेम देखने में काफी अट्रैक्टिव और हल्का होता है, जिससे कि इसे चलाने का एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। तो बैटरी ऑपरेटेड ये ई बाइक एक ऐसी एडवांस ई बाइक होती है जिसका इस्तेमाल आप शॉर्ट डिस्टेंसेस में आने जाने के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, CES मोशन पिलो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें की सोते वक्त स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस पिलो को, जिन्हें की खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो कि नींद में खर्राटे भरते हैं। देखने में तो ये आपको एक नॉर्मल पिलो जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर चार छोटे छोटे एयर बैग्स लगे होते हैं। जैसे ही ये स्नोरिंग डिटेक्ट करते हैं तो फौरन ये एयर बैग्स फूल जाते हैं और आपकी लेटने की पोजीशन को कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे, जिससे कि स्नोरिंग की प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है। यानी कि ये एयर बैग्स आपकी स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और आप कंफर्टेबली आराम कर सके। तो स्नोरिंग से परेशान लोगों के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद हेल्पफुल रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा। वहीं इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा, ये बात भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, और दिखाई गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।